नमस्कार, मैं उत्सला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं 5 मिनट पे 25 बड़ी खबरों का। पार्थ चटर्जी की तबीयत बिगड़ने के बाद ममता के मंत्री अस्पताल में भर्ती, अगली पेशी तक अस्पताल में रहेंगे। कोर्ट ने ईडी को दी 2 दिन की रिमांड। अवैध बार चलाने के आरोप पर भड़की स्मृति ईरानी, कहा मेरी बेटी कॉलेज स्टूडेंट है, बार नहीं चलाती, कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगूंगी। आज बतौर राष्ट्रपति आखिरी बार देश को संबोधित करेंगे कोविंद, संसद से सेंट्रल हॉल में विदाई लेने वाले आखिरी राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, भारत में सामने आया तीसरा मामला। सिंहदेव के साथ मतभेदों के बीच दिल्ली पहुंचे भूपेश बघेल, कांग्रेस नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। लखनऊ के घर में डाग ने डाला डेरा, 4 दिन पहले नागिन के काटने से महिला की हुई थी मौत, पकड़ने गए सपेरों से छूटे पसीने। हॉस्टल में पंखे के से लटकता मिला छात्र का शव, वाराणसी में इंटरव्यू की बात कहकर घर से निकला था। रामपुर में पूरे गांव को खत्म करने की धमकी, लेटन में गृह मंत्री अमित शाह और 2 करोड़ के इनाम का जिक्र, जांच में जुटी एजेंसियां। 4 नहीं 7 बदमाशों ने लूटे थे 40 लाख रुपए बाइक के साथ, स्कॉर्पियो में आए थे बदमाश, खंदौली और फतेहपुर सीकरी से जुड़ रहे था। फर्रुखाबाद में ट्रांसपोर्टर के घर चोरी, घर में रखे पैसे व जेवरात ले गए चोर, पुलिस जांच में जुटी। वादा तोड़ने में 24 घंटे भी नहीं लगाए, अनाज समझौता का उड़ाया मखौल, यूक्रेन पर फिर दागी मिसाइल। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन से काम पर लग जाऊंगा, सुनक बोले जो चल रहा है उसे चलने नहीं दे सकते। थाईलैंड के पीएम प्रयुत ने जीती अविश्वास प्रस्ताव, 4 दिन हुई बहस के बाद हुए मतदान में मिले 256 वोट। हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, जापान बोला पूर्व और दक्षिण सागर में जबरदस्ती कर रहा तनाव। कैलिफोर्निया में लगी साल की सबसे बड़ी आग, ईरान में अचानक आई बाढ़ में 21 लोगों की गई जान। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज को सिल्वर, ये मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय, देश के 19 साल बाद मिला मेडल। साल बाद 400 रनों का पहाड़, इंग्लैंड के बल्लेबाज सैम नॉर्थ ईस्ट के बल्ले ने मचाया तूफान, एक ही पारी में जड़े 410 रन। राहुल द्रविड़ ने पोर्ट ऑफ स्पेन में ब्रायन लारा से की मुलाकात, बीसीसीआई ने कहा एक फ्रेम में 2 लीज। मुरली विजय को बाउंड्री पर देख फैंस ने लगाया डीके, डीके किनारे क्रिकेटर ने हाथ जोड़ लिए। शाहिद अफरीदी घुटने की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर, तूफानी गेंदबाज हारिफ रऊफ को मिल सकता है मौका। दीपेश भान का आखिरी पोस्ट हुआ वायरल, मृत्यु के 3 दिन पहले शेयर किया था वीडियो। लाल सिंह चड्ढा का BTS वीडियो हुआ वायरल, आमिर खान ने दिखाई फिल्म की शूटिंग की झलक। डॉक्टर अरोड़ा के राइटर इम्तियाज अली बोले शहरों में एडवर्टाइजमेंट देख सीरीज बनाने का आया आइडिया, कॉलेज के दिनों से जहन में थी कहानी। तानाजी को नेशनल अवार्ड मिलने पर ओम राउत का रिएक्शन, बोले सैफ अली खान के सपोर्ट के बिना नहीं बन पाती फिल्म।
डार्लिंग्स के नए पोस्टर रिलीज, रणबीर कपूर ने की पत्नी आलिया भट्ट की डार्लिंग की तारीफ, बोले बहुत कमाल की फिल्म है। आज रात की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।